अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आपके प्यार की, आपकी मोहब्बत की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। ये हमारे पास चिकन है, ये मैंने टमाटरों को पीस के रखा हुआ है, और ये ऑयल के अंदर मैंने डाला है लहसुन अदरक। ये हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर डालेंगे चिकन। ये हमारा लहसुन अदरक ब्राउन हो रहा है, थोड़ा सा और ब्राउन हो जाए फिर हम इसके अंदर डालेंगे चिकन। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चिकन। इसको हमने ऑयल के अंदर अच्छे से भून लेना है, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। पहले मैंने डाला था लहसुन अदरक, वो लाइट सा ब्राउन हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चिकन, वो जो स्मेल आती है ना, इससे भूनने की इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। हमने 5 से 10 मिनट इसको भूनना है, तब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, ये मेरी मम्मा की टिप है। वो जब भी चिकन कढ़ाई बनाती है ना, तो उसको चिकन को भून कर उसके अंदर ना थोड़ा सा वो फेंक देती हैं ज़ीरा और पीसी हुई काली मिर्चें। ठीक है, वो कहती हैं कि इससे ना मतलब चिकन के अंदर एक टेस्ट आ जाता है, चिकन फीकी फीकी सी नहीं रहती है। और मैं भी उन्हीं की बात मानती हूँ। जब भी मैं किसी भी किस्म का चिकन हो बना रही हूँ ना, तो मैं जब भी चिकन बनाती हूँ ना, तो उसके अंदर मैं ना ऐसे हल्का सा ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्च फेंक देती हूँ कि वो चिकन के अंदर उसका टेस्ट आ जाए। हमारी ना ये मुर्गी बस अब भून चुकी है, तकरीबन थोड़ी सी मैं और भूनूंगी। ये देखिए, ये छोटी रहती है ना ऐसे, जिसकी अच्छे से स्मेल ख़त्म हो जाए। ये हमारी मुर्गी भून चुकी है तकरीबन, मतलब इसका जो कलर था फेड हो चुका है, लाइट का आपने देखा होगा ब्राउन ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब ना मैं आपको बताती हूँ, मैं ना घर पे बनाती हूँ कढ़ाई मसाला। किसी दिन मैं उसकी भी आपको ना रेसिपी बताऊँगी। ये मेरा घर का बना हुआ कढ़ाई मसाला है जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। मेरा स्टाइल तकरीबन सबसे डिफरेंट है, मैं घर पे देसी स्टाइल से बनाती हूँ। मैंने कहा शुरुआत आपके साथ ये भी शेयर करते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो। मैंने इसके अंदर गोतम में डाला था ये, अब 1 चम्मच और डाल रही हूँ। और अब इसके अंदर जाएगा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि मेरा जो मैंने इसके अंदर कढ़ाई मसाला डाला, क्योंकि घर का बना हुआ है, मेरा अपना बना हुआ है, इसलिए मैं इसके अंदर और मसाला ऐड कर रही हूँ। अगर आप जैसे बाहर का पैकेट वाला यूज़ करते हैं, शान का या किसी नेशनल का, तो उसके अंदर ये घर की चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मेरा तो घर का बना हुआ है, इसलिए मैं उसमें और टेस्ट करी और छोटी सी चीज़ें ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने डाली है कुटी मिर्चें, हल्दी, नमक और पिसा हुआ धनिया। इसको मैं हिला रहा हूँ, अच्छे से भूनना है आपने। मैं इसलिए घी के अंदर इसलिए डाल रही हूँ, थोड़ा सा मुझे होता है कि ये जो मिर्चें वगैरह हैं वो भी घी के अंदर भून जाए, मतलब उनके टेस्ट अच्छा हो जाएगा ना, मुर्गी में आ जाएगा, समझे करो कुड़ियों। मेरे स्टाइल में बनाएंगी और छोटे हस्बैंड हम बहुत पसंद आएंगे, जिनकी शादी हो चुकी है ना, उनके हस्बैंड उनके हाथ क्या कहते हैं ना, चूमने को जाएंगे। ठीक है, मतलब जब मैं इसके अंदर मसाला डाला था तभी भून चुका है, मुर्गी भी भून चुकी है अच्छे से। अब मैं इसके अंदर डालूंगी टमाटरों का पेस्ट, मैंने बना कर रखा हुआ था। ये मेरे पास टमाटरों का पेस्ट है, इसके 2 कलर इसलिए हो रहे हैं कि पहले पीसा था उसका कलर बाद में चेंज हो गया, उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं डालें। अब मैं इसके अंदर, ये तकरीबन मेरे पास 1 किलो टमाटर है जो मैंने पेस्ट करके रखे हुए थे। कुछ लोग मतलब अलग से पका के भी डाल सकते हैं, मैं पहले ऐसे भी बनाती हूँ अलग से ना फ्राई के अंदर इनको पका के टमाटरों को, मैं उस तरीके से भी आपको बनाना सिखाऊंगी। ये जो तरीका है ये मेरी मम्मा का तरीका है, मतलब मेरी सासू माँ के तरीके से मैं बना रही हूँ। इनकी कढ़ाई सब लोग बड़े शौक से खाते हैं, यकीन माने आपको भी अच्छी लगेगी, यकीनन अच्छी लगेगी। तो अब हम इसके वो ढक देंगे, मैं आपको दिखाऊंगी 5 मिनट के बाद। अब मैंने इसको ढक दिया है, ठीक है। मुझे लग रहा था इसके अंदर ना कढ़ाई मसाला कम है, मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ, ठीक है। तो आप भी देख लीजिए, तो मैं इसको हिला के फिर ढकती हूँ, फिर इंशाल्लाह जब भूनेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी चिकन कढ़ाई पक रही है, थोड़ी सी देर और है बस, 5-10 मिनट में ये तैयार हो जाएगी।
बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। काश फ़ोन में कोई ऐसा ऑप्शन होता जिससे आप लोगों को भी खुशबू महसूस हो सकते। ये देखें, अब ये भुनने के लिए तैयार है। इसके अंदर बबल से भर रहे हैं, मोबाइल में इस तरह का कलर आ रहा है। बस 5 मिनट में ये इसकी चिकन तकरीबन गल चुकी है, ये देखें। और हम 5 मिनट में इसको भून के फिर मैं आपको फाइनल दिखाती हूँ इसकी। ये ना खाना बनाते बनाते मुझे लगी थी बहुत शदीद प्रयास, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। मैंने इस गिलास के अंदर नौरस डाला, मैंने कहा चलो जब तक हमारा खाना बन रहा है जल्दी 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 मैं भी अपनी ना गर्मी ख़त्म करूँ। अब मैं ये पीने लगी हूँ। खाना बनाने से पहले सफाई हो रही है, अब मैं बना रही हूँ साथ साथ रोटी, ठीक है। ये मैं साथ साथ रोटी भी बना रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी मेरा काम खत्म हो जाए, दोपहर का खाना जल्दी जल्दी बना के पा रही हूँ। रोटी तो बस मेरे 2-3 बनानी है अपनी मम्मा और अब्बू के लिए, बाकी हम तो पढ़ाई के साथ बाइक से नान मंगवाएंगे। वो लोग बाइक की रोटी नहीं खाते, वो लोग सिर्फ घर की रोटी खाते हैं, इसलिए उनके लिए बना रही हूँ। वीडियो ऑन है। आप सब लोगों की रोटी नरम होती है, सच बताइए कमेंट सेक्शन में जाके। मेरी रोटी बहुत नरम होती है, इतनी सॉफ्ट होती है कि आप 2 घंटे बाद भी खाएंगे तो आपको सॉफ्ट ही लगेगी। इसके लिए होता है कि आपकी रोटी का फूलना पूरी होता है, तो पूरी की रोटी बहुत सॉफ्ट होती है, तो आप कभी भी सख्त नहीं होती जो पूरी की रोटी होती है। जब मैं शुरू शुरू में आई थी तो मैं ऐसे रोटी पलटती थी, मेरे मामू थे ना उनको बड़ा अच्छा लगता, वो हैरान होते थे यार कैसे पलट लेती हो। और मैं जब भी रोटी बना रही होती थी उनको बहुत अच्छा लगता था, वो आके देखने लग जाते थे। बस ये तकरीबन तैयार हो चुकी है, मैंने बोला जब तक कढ़ाई बन रही साथ साथ रोटियाँ बना के भी फाड़ी हो जाऊँ। ये भुनने के लिए तकरीबन तैयार है। चले जी फ्रेंड्स, इधर हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है और इधर मेरी रोटियाँ बन चुकी हैं। हमारे दोनों काम खत्म हो चुके हैं, जल्दी जल्दी से जल्दी जल्दी, मुझे बहुत होता है कि मैं जल्दी जल्दी काम करूं, जल्दी जल्दी मुझे काम करने की बहुत आदत है। ये हमारे लिए थोड़ी सी ज़्यादा ग्रेवी वाली कढ़ाई है, वो हमारे घर में सब ज़रा ग्रेवी को पसंद किया, इसलिए मैंने ज़्यादा सारे टमाटर डाले थे ताकि थोड़ी ग्रेवी बन जाए। और ये मैं रोटी सेकने लगी हूँ ताकि जल्दी जल्दी हमारे सारे काम खत्म हो जाए, साथ साथ फिर जल्दी जल्दी बैठ के हम खाना खाएँगे। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों ने घर में आज क्या बनाया है, कमेंट्स में मुझे बताइएगा। चलिए जी, इसको हम रखते हैं यहाँ और ये आएगी यहाँ, इसमें गैस कम आती है इसलिए ये आएगा यहाँ। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, पर दिल कर रहा है कि जल्दी से खा लूँ, जल्दी जल्दी से खा लूँ। ये देखिए हमारी कढ़ाई की फाइनल लुक तैयार है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आप लोग मुझे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे इसी तरह हिम्मत बढ़ती रहेगी, अच्छी अच्छी सी छोटी छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाती रहूँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।